औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू दार अरकम स्कूल, दिस इज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के लेसन में हम यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट और वेन डायग्राम के बारे में लर्न करेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें तमाम वो अरकान होते हैं जो दूसरे सेट में भी मौजूद हों तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इफ अ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट देन द सेट ऑफ एलिमेंट नॉट इन ए इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का सैम्पल क्या होगा? ए पर आपकी ये लाइन कॉम्प्लीमेंट को शो करेगी। किस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक अच्छा यूनिवर्सल सेट को का सैम्पल यू होता है, यू यूनिवर्सल सेट का सैम्पल होगा। आपके पास सेट है यू इज इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ए सेट 2, 4, 6, 8 इवन नंबर लेस देन 10। आपके पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक नंबर्स और ए सेट में इवन नंबर्स हैं, तो सेट ए के ये एलिमेंट्स तो सेट यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं क्योंकि वो 1 से लेकर 10 तक है, लेकिन वो नंबर्स जो कि यूनिवर्सल सेट के ए में नहीं मौजूद वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ये देखें, हमने इस तरह से फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल यूनिवर्सल डिफरेंस ए। पहले इनका डिफरेंस फाइंड करना है, जैसे कि पहले लेसन में आपको मैं बता चुकी हूँ कि डिफरेंस होता है एक सेट के एलिमेंट्स अगर दूसरे में नहीं मौजूद तो वो उसका डिफरेंस होता है। आपने पहले दोनों सेट्स का डिफरेंस मालूम करना है। किस तरह से आप लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक सेट लिखा, सिंबल ऑफ डिफरेंस 2, 4, 6, 8 सेट ए लिखा और फिर दोनों का डिफरेंस फाइंड करें। क्या डिफरेंस है? ये वाले एलिमेंट्स सेट ए में नहीं मौजूद, 1, 3, 5, 7, 9, 10 ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में नहीं है, तो यही ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसको ए कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसकी खसूसियात क्या होंगी? द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट ए प्रोड्यूसेस द यूनिवर्सल सेट यू। अच्छा, सेट यूनियन कहते हैं दो सेट्स को इकट्ठा कर लेना। अगर दोनों सेट्स को इकट्ठा कर लिया जाए, उनके तमाम एलिमेंट्स इकट्ठे कर लिए जाए तो वो यूनियन होता है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सेट ए है ये 2, 4, 6, 8 और आपके पास कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 10 जो एग्जाम्पल हम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये उसी एग्जाम्पल को लेके किया जा रहा है 1, 3, 5, 7, 9, 10 ये हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। अगर सेट ए को और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को यूनियन कर दिया जाए, दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, सेट ए और जो हमने सेट ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है दोनों को इकट्ठा अगर हम कर लें तो हमारे पास जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। देख लें कि सारे एलिमेंट्स हमने इकट्ठे कर दिए, ये इस सेट के एलिमेंट्स ले लें और इसके एलिमेंट्स लेके हम जब इकट्ठे कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे, उसका यूनियन फाइंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट सेट की। सेकंड प्रॉपर्टी है द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ सेट ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एन एम्प्टी सेट। यूनियन तो जब हम फाइंड करते हैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है, लेकिन अगर इसका हम इंटरसेक्शन फाइंड करें, इंटरसेक्शन मीन दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड करना। आपके पास दो सेट्स हैं उनमें से अगर आप कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं तो उसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। सेट ए और कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये आपके पास सेट ए है 2, 4, 6, 8 सेट ए, इंटरसेक्शन 1, 3, 5, 7, 9, 10 और ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है, सेट ए और सेट ए कॉम्प्लीमेंट।
दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। ये टू प्रॉपर्टीज नहीं है, यानी कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट सेट और सेट ए का यूनियन निकालें तो आंसर में यूनिवर्सल सेट बनता है, और अगर इसका आप इंटरसेक्शन फाइंड करने की कोशिश करें तो एम्प्टी सेट ही आएगा। इसकी एक अनदर एग्जांपल आपको दी गई है कि द मंथ यूनिवर्सल सेट इज़ अ मंथ ऑफ द ईयर, कि मंथ ऑफ द ईयर एक यूनिवर्सल सेट दिया है जो है मंथ ऑफ द ईयर 12 मंथ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, और सेट ए में द सेट ऑफ मंथ बिगिनिंग विद जे, जे से शुरू होने वाले मंथ, ठीक है, ये आपके पास दो सेट हैं। यूनिवर्सल सेट में सारे मंथ आ गए आपके, यू लिखेंगे यू इज इक्वल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड ए इज इक्वल जनवरी जून एंड जुलाई मंथ बिगिनिंग विद जे। अब आपके जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट यू के आपके इस सेट में नहीं है, सेट यू के जो एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है वो कौन से हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। जे वाले तमाम एलिमेंट्स को निकाल दें तो बाकी सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि वेन डायग्राम में किस तरह से सेट्स को शो करते हैं। वेन डायग्राम होती है, आप सर्कल में किसी सेट को लिखें या आप ये रेक्टेंगल बनाते हैं, ये आप क्लास सिक्स में जैसे कि प्रीवियस क्लास में कर चुके हो कि एक वेन डायग्राम बना के उसमें सेट्स लिखा जाता है। सेट्स ऑफ द नेम ऑफ द बॉयज आपने लिखे, सेट ऑफ द नेम्स ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स, इस तरह से आपने सिक्स क्लास में कुछ सेट्स किए थे। ओके, अब आप क्या करेंगे, आपने वेन डायग्राम किस तरह से बनानी है कि यूनिवर्सल सेट के लिए आप रेक्टेंगल बनाएंगे और सेट ए के लिए आपने सर्कल बनाना है। तो यूनिवर्सल सेट है, आप इस एग्जांपल में देखें, यूनिवर्सल इज इक्वल ऑल एनिमल्स, यूनिवर्सल सेट में ऑल एनिमल्स है तो आप लिख देंगे ऑल एनिमल्स। सेट ए में है ऑल लाइन्स, जो लाइन्स हैं वो सेट ए है, तो आपने यूनिवर्सल सेट शो करने के लिए रेक्टेंगल बनाया ऑल एनिमल्स, और उसमें से सेट ए जो है उसके लिए सर्कल में लिखेंगे लाइंस। ये वेन डायग्राम है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला सेट आपने वेन डायग्राम में किस तरह बनाना है। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल नेचुरल नंबर, एन शो करता है नेचुरल नंबर को, एन लेस देन टेन, नेचुरल नंबर लेस देन टेन, और सेट ए क्या है, सेट ए में आपने इवन नंबर्स लिखने हैं लेस देन टेन, दो सेट आपने लिखने हैं, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर लेस देन 10 और सेट ए में नेचुरल नंबर इवन नंबर लेस देन 10, ये सेट ए होगा। तो इसकी वेन डायग्राम इस पेज पे आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे कि ये इसका सलूशन है, ये किस तरह से बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट में आपने 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स लिख लिए लेस देन 10, और सेट ए में आपने इवन नंबर लिखे 2, 4, 6, 8 लेस देन 10। अब इसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी कि आप यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसमें सारे नेचुरल नंबर्स जो यूनिवर्सल सेट में दिए गए हैं वो आप लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन अब इसके अंदर आपने ए सेट भी बनाना है सर्कल में, तो जो इवन नंबर्स हैं उनको इस तरह से लिखें कि वो सर्कल के अंदर आ जाए। आपने ये यूनिवर्सल सेट में नंबर्स लिखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 2, 4, 6, 8 जो है वो ए सेट में मौजूद है ना, तो आप सर्कल जब सेंटर में बनाएंगे तो 2, 4, 6, 8 को सर्कल के अंदर लिखें, ठीक है। तो यहां पे आपने इस रेक्टेंगल में इसको दोबारा से नहीं लिखना, रेक्टेंगल में ये ऑटोमेटिकली ये सब कुछ शामिल हो गया, 1 भी बीच में आ गया, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इस तरह से वेन डायग्राम में आप शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स के आपको आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये अनदर एग्जांपल है वेन डायग्राम की, और इसको भी आप देखें तो इसमें दो सेट्स आपको दिए गए हैं, एक सेट है सेट यूनिवर्सल सेट 1, 2, 9 है, और सेट ए जो है उसमें 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, सेट बी में 5, 6, 7, 8, 9। तो आप रेक्टेंगल बनाएंगे उसके अंदर 2 आपने सेट बनाने हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है।
तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 2, 3, 4, 5, 6। सेट बी में कौन से एलिमेंट हैं? 5, 6, 7, 8, 9। अब 5 और 6 वो एलिमेंट्स हैं जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं, इसलिए इस तरह से सर्कल बनाना है कि ये दोनों में आ जाएं, ये इस सर्कल में भी ऐड हों और इस सर्कल में भी आ जाएं, क्योंकि 5 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं मौजूद और बी में भी हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसका सर्कल बनाना है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।